चलो चलो आ जाओ जल्दी से, आज बना लेते हैं केरला का बढ़िया सा पके आम का करी। तो केरला जाने की जरूरत नहीं है भाई, लोग सब लोग यहीं आ जाओ यार। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे केरला का फेमस करी। उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें नारियल का बुरादा या फिर नारियल का चूरा या घिसेरा नारियल, थोड़ा सा जीरा, एक प्याज काट के और 2-3 चम्मच दही। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पानी डालकर पेस्ट बना लेना, एकदम चटनी बना लेना इसकी। और फिर एक पैन लेना, उसमें थोड़ा सा पानी लेना, मतलब 2 गिलास पानी ले सकते हो, और ये जरूर डालना क्योंकि आम का करी बन रहा है। तो भैया आम कैसे भूल सकते हैं, पका आम ले लो या फिर जो अमियाँ होती हैं ना, पड़ी पड़ी घर में पक जाती हैं, बस उनको ले लो। और एक अमियाँ को मैंने काट के डाल दिया और 3 को मैंने साबुत डाल दिया है, और ये 2 हरी हरी मिर्चें एकदम बीच से कटी हुई, और फिर ये थोड़ा सा लाल पीला कर देंगे, मतलब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो लाल पीला करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, नहीं हो तो ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना, और उसको गोल 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 घुमा देना। जैसे क्या है, केरला तो घूम नहीं पाएगा, तो ये आम का करी अलग अलग स्टेट में हमारे जाएगा और सब लोग ट्राई करेंगे बिना केरला जाए। तो यहाँ पे थोड़ा ढाक के 15 मिनट तक बॉईल कर देंगे इसको, और जिससे कि इसका सारा जूस पानी में आ जाएगा, और फिर हम डालेंगे ये घिसेरला नारियल का चटनी। मज़ा आ गया, बस डालते ही इसका कलर जो है एकदम चेंज हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी सा कलर हो जाएगा, और ये हमारा टेस्टी सा बढ़िया सा करी लग रहा है। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है अभी खा जाओ। कैसे खा जाओ, अभी इसको थोड़ा खट्टा करना है, थोड़ा मीठा करना है, थोड़ा तीखा करना है, थोड़ा नमकीन करना है। तो जब ये करी में इतना ज़्यादा स्वाद आएगा तो हमें कहीं जाने का ज़रूरत क्यों है। थोड़ा सा गुड़ लेंगे, जैगरी यानी कि, तो उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे जिससे कि थोड़ा सा मीठापन आ जाए, और इसको फिर गोल 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 घुमा देंगे जिससे कि ये घुल जाए अंदर। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सोचो सोचो अब हम क्या डालेंगे और क्या करने वाले हैं। जब तक सोचो तब तक इसको हम घुमाते हैं गोल 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 गोल। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमकीन करना है बस। और नमक डाल के भी फिर हम गोल 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 जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। अब मेन प्रोसेस, थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें डालना है मेथी दाना, थोड़ा सा डालना है। अब सोचो ये क्या हो रहा है, ये तड़का बन रहा है तड़का, और थोड़ा सा राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने, फिर थोड़ा सा डालेंगे इसमें, सोचो सोचो क्या, सोचो सोचो, अरे थोड़े से डालेंगे नीम के पत्ते। अब सोचो नीम के पत्ते कहाँ पड़ते तड़के में, अरे यार मीठा नीम होता है यानी कि करी पत्ता वो, और 2 पड़ेगी लाल लाल मिर्चें और थोड़ी सी हींग, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लो, मिला लो, तब तक इसको पका लो जब तक ये लाल मिर्च सूखी एकदम फूल ना जाए और ये ब्लैक कलर सा हल्का सा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के, सारी चीज़ जो हमने डाली है, इन सब लोगों के जो स्वाद है तेल में आ जाएगा, तड़का बन जाएगा। फिर ऊपर से डालो गर्मा गर्म तड़का। मज़ा आ गया, तीखा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, खट्टा भी है, ये करी क्या अच्छी बनी है यार। मन कर रहा है इसको चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, या किसी के साथ भी खाओ। केरला जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सारे खाने हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप सब्सक्राइब तो करो, बस शेयर करो लोगों को, सब्सक्राइब करो और बढ़िया बढ़िया स्ट्रेट के बढ़िया बढ़िया फूड खाते जाओ। और मुझे सजेशन भी दे सकते हो, मैं आपके लिए कौन सा स्टेट का फूड बनाऊँ, जो मुझे अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं मुझे मतलब बताएं कौन सी यूनिक रेसिपी आप चाहते हो, जो वो मैं कोशिश करूँगी बनाने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।